हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को ब्रिदर के बारे में बताऊंगा, जो कि ट्रांसफार्मर के बहुत ही मेन पार्ट्स होते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक्स भी हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, बहुत ही इजी है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्रिदर होता क्या दोस्तों? ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या होती है दोस्तों, सिलिका जेल फिल की हुई होती है। अब ये कनेक्ट कहाँ होता है दोस्तों, चलिए मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ कहाँ कनेक्ट होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर है और ये आपका कंजर्वेटर है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये एक ब्रिदर पाइप है जहाँ पर आपका ब्रिदर कनेक्ट है। आपने देख लिया दोस्तों अच्छे तरीके से कि आपका ये कंजर्वेटर टैंक है और यहाँ से आपका एक ब्रिदर पाइप जा रहा है और वहाँ से आपका ब्रिदर कनेक्ट है। चलिए दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों कि ये आपका ब्रिदर के अंदर जो सिलिका जेल है, तो ब्रिदर में जो सिलिका जेल है सबसे मेन काम जो है तो दोस्तों इसी का ही होता है, सिलिका जेल का ही होता है। चलिए हम लोग समझते हैं दोस्तों ये सिलिका जेल होता क्या है। ये देखिए आपको सिलिका जेल दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि क्या होता है दोस्तों, ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको। तो इस सिलिका जेल का काम क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, आपको मॉइस्चर को ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। मतलब ये आपका जो भी मॉइस्चर होगा, नमी जो होगी, उसको ये क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। और इसका कलर कैसा होता है दोस्तों, डार्क ब्लू होता है। अगर इसकी केमिकल फार्मूला की बात करें, SiO2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि इस सिलिका जेल में होता क्या है, वो कैसे मॉइस्चर को कंटेंट कैसे कर लेता है, कैसे ऑब्जर्व कैसे कर लेता है, ये सोचने वाली बात है। तो मैं बता दूँ इस चीज़ को, मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, ये आपको सिलिका जेल दिख रही है, इसके अंदर इतने छोटे छोटे होल्स या इतने छोटे छोटे पोर्स छिद्र होते हैं दोस्तों कि आपको खुली आँखों से दिखेगा नहीं, तो आपको दिख रहे होंगे इसके जो होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, ये आपके कैसा होता है दोस्तों, नैनोमीटर में होता है दोस्तों। ये देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरेज जो पोर साइज होता है वो कितना होता है दोस्तों, 2.4 नैनोमीटर, इसके एवरेज की बात करें तब। ऐसी इसका आपका मिनिमम देखें तो 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1 नैनोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, मगर हम एवरेज की बात करें तो 2.4 नैनोमीटर का पोर्स होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों, सिलिका जेल में होते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू कलर का है, जब मॉइस्चर जब ये ऑब्जर्व कर लेगा सिलिका जेल, तब इसका कलर कैसा हो जाएगा दोस्तों, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करूँगा, आगे फिगर में दिखाऊँगा कि ब्लू कलर कैसे पिंक में हो जा रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग अभी और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। ये दिख रहा आपको, ये मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इसका हेल्प लूँगा। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये ब्रीदर ही है, इसमें बहुत से छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगे जो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या दोस्तों, ऑयल कैप है ये आपका, ये वाला क्या है, ऑयल कैप है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऑयल भरी होती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऑयल कैप हो गया, यहाँ पर जो है आपका ऑयल है, यहाँ पर ऑयल दोस्तों यहाँ पर पूरा फुल नहीं रहता है, मान के चलिए आपको 60-70% इस ऑयल कैप में ऑयल फील होता है। चलिए मैं आपको इस चीज़ को भी दिखा दूँ आपको, ये देखिए दिख रहा होगा, ये ब्रीदर का ये बॉटम में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा ये ट्रांसफार्मर ऑयल है यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए यहाँ तक है, पूरा फुल भी नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका सिलिका जेल है, यहाँ पर ये आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है मैंने बताया ही था, तो वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट आपको बाहर से ही दिखेगा, ये किस कलर का दिख रहा है ये आपको दिख जाएगा, चाहे वो ब्लू दिखेगा चाहे वो पिंक दिखेगा, ये दो कलर में से कोई दिखेगा दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर सिलिका जेल हो गया, इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है, ये आपका बॉटम लीड है, यह आपका टॉप लीड है, और ये जो आपको दिख रहा है कनेक्टिंग पाइप जो दिख रही है, ये कहाँ से कनेक्ट होती है दोस्तों, ये डायरेक्ट जाके कंजर्वेटर टैंक से कनेक्ट होती है ब्रीदर पाइप के थ्रू। ये मैं आपको दिखाया था, ये आपका ब्रीदर है, ये आपका ब्रीदिंग पाइप से कनेक्ट है, किससे, कंजर्वेटर से जाके वो अटैच हो गया दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा अंदर जाता हूँ दोस्तों, देखिए क्या हो क्या रहा है, एक्चुअली होता क्या है दोस्तों। जैसे कि आपका एयर आया एटमोसफेयर में, ये आपका मान लिया फिक्स है कंजर्वेटर टैंक में, आपका एयर जो आएगा वो कहाँ से इन होगा, ये देखिए एयर इनलेट लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा रहता है गैप रहता है, यहाँ पर क्या होगा आपका एयर जाएगा और आपका यहाँ से होते हुए इस सिलिका जेल से पास होगा। इस सिलिका जेल से जब पास होगा दोस्तों, तो ये सिलिका जेल क्या होगा, जो जो एयर है दोस्तों उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट होंगे
उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर देंगे और उसको ड्राई आइस में कन्वर्ट कर देंगे, ड्राई एयर में कन्वर्ट कर, सॉरी दोस्तों, ड्राई एयर में कन्वर्ट कर देगा। और वो क्या होगा, ये ड्राई एयर जो है ये आपका कहाँ चला जाएगा दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक से होते हुए ट्रांसफार्मर में वो चला जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने इसे अच्छे तरीके से देख लिया दोस्तों। और ये ऑयल यहाँ पर क्यों फिल की जाती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑयल यहाँ पर क्यों रहता है। अगर मान लीजिए एयर में जो भी हवा इन कर रहा है इस लीका जेल के थ्रू, उससे पहले वो यहाँ पर ऑयल से पास होके जाएगा दोस्तों जरूर। तो ऑयल क्या करेगा दोस्तों, आपको जितने भी एयर में डस्ट होंगे उसको वो क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, मतलब उस चीज़ को वो कैच कर लेंगे, पकड़ के रखते हैं वो लोग, मतलब वो जितने भी आपके डस्ट रहेंगे उसको वो ऑब्ज़र्व कर लेगा और वो आपको एयर को जो है सिलिका जेल के पास भेजेगा। और सिलिका जेल जो है एयर के मॉइस्चर में जितने भी मॉइस्चर होंगे एयर में वो उसको कंज्यूम कर लेंगे, ऑब्ज़र्व कर लेंगे, उसके बाद वो ईज़िली पाइप के थ्रू आपका कंजर्वेटर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये ब्रीदर है, आपको मैंने दिखाया था ऑयल कैप था आपका, वहाँ से एयर इनलेट था, वहाँ से गया आपका ब्रीदर सिलिका जेल से पास होते हुए और यहाँ पर ड्राई एयर हुआ, सूखा हवा जिसमें मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में दोस्तों, वो आपका गया और आपका ब्रीदर पाइप से होते हुए यहाँ पर एयर यहाँ पर आ गया। अब एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि इस ब्रीदर का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये है तो क्या फ़ायदा, नहीं है तो क्या होगा। चलिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हम लोग जो भी ऑयल डालते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अच्छे से गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। क्यों बॉयल करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपका ऑयल में जो भी कंटेंट्स हो मॉइस्चर के वो क्या हो जाए, आपके ख़त्म हो जाए, इसलिए हम लोग बॉयल करते हैं। बॉयल करने से क्या होगा, जो भी मॉइस्चर होंगे ऑयल में वो आपका हट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसको छान देते हैं। इससे क्या होता है, बॉयल करने से क्या होता है, जो भी अगर डस्ट पार्टिकल्स अगर आपके ऑयल्स में होंगे वो भी आपका नीचे बैठ जाएगा। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, छान के डालते हैं दोस्तों, ताकि आपका डस्ट भी आपका ना रहे, तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर आपका ऑन रहता है, अच्छे समय से ऑन रहता है, तो क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है हीट होना स्टार्ट होता है दोस्तों। हीट होना स्टार्ट होता है तब ये ऑयल जो है ये पाइप के थ्रू जो है कंजर्वेटर टैंक में जाता है दोस्तों। यहाँ पर दिख रहा होगा ऑयल लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर यहाँ तक आपको ऑयल यहाँ तक आ जाता है लगभग। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर जब आपका जब हीट होता है तो ऑयल भी हीट होता है आपका दोस्तों, ऑयल हीट होता है दोस्तों, तब ये क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एयर आएगा गर्म हॉट एयर, तो वो क्या होगा, पैप ब्रीदर पैप के थ्रू जो है आपका ब्रीदर से होते हुए या आउट हो जाएगा। ये हो गया, तो इससे क्या हो गया कि आपका ये हम लोग जो एयर को बाहर निकाल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हम लोग ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा हम लोग कम कर रहे हैं, हॉट एयर निकल रहा है, ये हो रहा है। अब इधर से ये आपका ब्रीदर जो एयर से एटमॉस्फेयर से जो अंदर जा रहा है, इससे हम लोग क्या जा रहा है, ड्राई आइस और कूल एयर जा रहा है, जिससे कि हमको क्या फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, टैंक जो होगा वो आपका ठंडा रहेगा, ये फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। अब एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर दो ब्रीदर लगा है, एक में दिख रहा होगा सिलिका जेल जो है आपका ब्लू कलर में है, और एक में दिख रहा होगा आपका 80% लगभग आपका पिंक है, बाकी थोड़ा सा आपका ब्लू है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ इसका मतलब और इसका मतलब क्या हुआ होगा, आपको तो समझ में आ गया होगा, ये अगर सिलिका जेल ब्लू कलर है इट मीन्स अभी ये मॉइस्चर कंटेंट या ऑब्जर्व नहीं किया है। मगर इसी केस में अगर यहाँ देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिलिका जेल जो है आपका मॉइस्चर को जो है ऑब्जर्व कर चुका है, लगभग लगभग आपका ऑब्जर्व कर चुका है, थोड़ा सा और बचा है, तो ये आपका ब्लू से क्या हो गया, पिंक हो गया। पिंक क्यों हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, जो भी एयर यहाँ से पास होके जो आपका टैंक में जा रहा है, कंजर्वेटर टैंक में जा रहा है, वो क्या हो गया, ड्राई एयर जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखो दोस्तों, मैंने अच्छे से लिख भी दिया है कि ब्लू कलर है अगर आफ्टर इंटरिंग मॉइस्चर इंटर किया किस में, सिलिका जेल में, तो वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा जब वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये था दोस्तों, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स था, आपको उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों।